हाँ भैया, नंबर आपने मेरी तरफ से भी सुना और मनोज भाई की तरफ से भी सुना। मनोज भाई, दूध का दूध और पानी का पानी यही हो जाएगा इसी नंबर पर। बहुत बढ़िया बेटा, कहने उम्मीद शर्मा जी का एक छंद गाया मैंने, आप लोगों ने सुना। करनी तेरी देख के ना पाई कल राम, वो राम अब श्याम है, मैं लक्ष्मण हूं बल राम। रणभूमि के बीच हमेशा तैने गर्दन डारी है और लंका के अंदर घुस, लंका की गलियन में घुस घुस के तेने तकी पर आई नारी है। जो कह रहे राम ने कहा पराई नारी तकी। अरे तुम बेशक बजेंद्र शर्मा जी के बेटे हो, लेकिन अभी तुम्हें यही होश नहीं है कि ओमवीर शर्मा गा क्या रहा है और मैं जवाब क्या दे रहा हूं। बुद्धि भंग है गई है इनकी। कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मेरी हर लाइन कह रही है बलराम के जवाब से। पहली बार मेरे हाथन से सुग्रीवन तोय बचायो है। बलराम जी कह रहे हैं सुग्रीवन तोय बचायो है और हनुमान ने त्रेता द्वापर तोय दोनों युग में समझायो है। अब आप ही फैसला कर लेना कि ये बलराम जी की बातें क्या राम से हो रही है। केवल गाल बजा सकते हैं मनोज भाई, कम से कम लेखों को पढ़ा करो और जब बातें किया करो, जब छंद को लड़ाया करो। तुम्हारी समझ में ही नहीं आया कि मैंने गाया क्या है। लंका की गलियन में घुस घुस के, अब यहीं से आप पकड़ लेना कि भगवान राम तो जब 14 वर्ष वन में रहे, लंका में पहुंचे कब भाई, वो लड़ गया छंद आप लोगों की नजर में। भैया रावण ने जब कह दिया कि जीते जी लंका में पैर रखने नहीं दूंगा, और छंद के अंदर रंगत पड़ी हुई है मनोज भाई। हम तो गा रहे राधे श्याम रामायण से, आप गा रहे हो कासगंजी बैर के अंतराय, या यूट्यूब के माध्यम से सभी सुनेंगे इस प्रोग्राम को, शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, जब केकई ने दो वरदान मांगे मनोज भैया, जब केकई ने वरदान मांगे राज भरत के लिए और 14 वर्ष के लिए वनवास, सभी वृद्ध लोग बैठे हैं क्योंकि हम चरणों की धूल हैं और मेरा यह अखाड़ा मेरा ही है क्योंकि आपने सबने मेरा दंगल देखा होगा। इसी मंच पर मैं प्रमोद भैया के साथ डांसर बन के गाया करता था। अगर किसी ने दंगल देखा हो तो मैं प्रमोद भैया के साथ में डांसर में ही बनता था और सबने मेरी एक चीज सुनी होगी, क्रिकेट वाली, चढ़ती जवानी को रंग ले ले किट खेल ले। अब रही बात, आपने जब 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है केकई ने, तो राम की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में, किसी राजधानी के अंदर और किसी गली के अंदर पैर नहीं रखूंगा क्योंकि मेरा वनवास खंडित हो जाएगा। और वो लाइन कह रही है, लाइन कह रही है कि जाकर के लंका के अंदर गली गली में तेरे परितकी पराई नारी है। जब लंका के अंदर राम गए नहीं है तो तुम कैसे कह रहे हो कि राम से बात कही जा रही है। बलवंशी, दूसरी बात, एक टुकड़ा गाया था कि मैं बिजेंद्र शर्मा के अंश से पैदा ना हूं। होगो भैया ना हो अंश से पैदा, कौ परछाई फरछाई पर हो, कोई दूसरो घूमो हो, सिरी लगाओगे तो इज्जत बढ़ेगी और पीछे सिरी लगा दो तो इज्जत घटेगी। अब जनता जनार्दन है, ये चाहे जनता तो चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दे और ये चाहे तो राष्ट्रपति को खाक में मिला दे, या तो बड़ी अदालत आज तक कोई पैदा ना हो। अब साहब तुम ही फैसला करना
श्री पिता, श्री पिता गलत हो गया, पिता श्री पीछे ही श्री लग रहा है, माता श्री, तात श्री पीछे ही श्री लग रहा है। हाथ उठा के बताओ लग रहा है? अब इज्जत घट रही है कि बढ़ रही है? हाथ उठा के बोलो। लसिया गावे आए वो पिन्नी बेच हाथ समय जाके तेरे बाप की बस की तेरे बस की ना। अरे किसी किसी और श्री श्री 108 श्री क्या ना सजा त्यारों का ही तुम किसी को गहना मारता है किसी को फालस मारते हैं और तुम जैसे तो लल्लू मेरी तेल मालस मारते हैं और तुम तो रोज के दे के वाले हो मेरी जान तुम जैसे तो मेरी जूतियों पे पालस मारते हैं। बोलते कैसी उठी उचंग मनोज भाई आगे लगाओ तो समस्या बढ़ेगी और पीछे लगाओ तो ऊपर चढ़ेगी। कोशिश करना और सोचना घर पे जाके कभी भी फिर भी पूछ सकता हूं। सुनो ईमानदारी की बात तो यह है तुम क्या कह रहे हो कि सब रसिया वाले ऐसे ही कहते हैं जवाब तो नहीं हुआ। और सुनो अगर ऐसी बात है मनोज भाई हार स्वीकार कर लेना मैं अपनी बात को जनता के सामने खोल के नहीं जाऊं तो अपने बाप से पैदा नहीं किसी और से पैदा कह दे खोल करके जाऊंगा तुम्हारी तरह गाल नहीं बजाऊंगा। गा रहे थे ये गीत मेरे बहन और भाइयों वो जवाब होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से चाहे तुम्हारे पिताजी ने लिखा हो चाहे किसी ने लिखा हो। क्या कहने अब देखें इन्होंने जो कुछ भी गाया उसका भी जवाब न छंद का जवाब हुआ बैर गाई बैर में पति और पत्नी का साथ छूटा है सती का और शंकर का साथ छूट गया नई बात मानी तो छूटा कि नहीं। सात सात फेरों का बंधन देखो तोड़ चली गई गंगा शांतनु को छोड़ चली गई। क्या गा रहे हो तुम? गुटका खाने से काम नहीं चलेगा मेरी जान मेहनत का खाओगे तो काम आएगा और हराम का खाओगे तो काम नहीं आएगा। अब देखें जवाब इधर से ढाई ढाई से ग्राम तो जाने थूक और बढ़ दो माइक न में अरे त्या नाश जाते यारो। अरे कोई चंग तुम्हारी बज गई ये चंग तुम्हारी और देख बज गई दल दिल में रही उचंग ना त्यारे दिल में रही उमंग। अब देखें अरे कोई नंगन छोड़े नंगई छोड़े नंगई
कुशल बल। अरे कोई रात गई और दिन आ गए और पर आदत नाए सुधारी है। आदत ना ही सुधारी है और अरे मत त्रेता लख द्वापुर में तेरी और मैं दूंगो चौका मगाई उसको भी खा गए। अरे के थर थरे और कापा दिल तेरा और जब सुग्रीव ने तोए बचायो है। मैं आप सभी से ये पूछूंगा भैया गाई का ऐसे जन्नो हा साहब गाई राधे श्याम कासगंजी बहर का रो कासगंजी बहर है आज आतरसी बहन नहीं गब्बा दी तो मेरा नाम ओमवीर शर्मा नहीं मेरी जान। अरे सुग्रीव ने तोए बचायो है और अरे रटो नाम बा उपकारी को और जब श्याम ने तुंद मचायो अरे सरपट खुलो है दर कर मन को और जग में नाम तेरे मर मन को। अरे अप यस तेरे इन आर मन को कचनाए पावे। मां साहब जिंदगी ने दी हुआ गया है। अरे तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई जिंदगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती। सब में बता रहे काऊ में जुआ को काऊ में शराब को काऊ में सट्टे को और काऊ में इश्क को। जवाब ऐसे होता है मनोज भाई तुम्हारी तरह ना है मर्यादा पुरुषोत्तम राम है बन्नो का पराई नारी तकी।
जवाब सुन दे। अरे सब में छुपी बुराइया, सब में छुपी बुराइयो, सब में छुपी बुराइया, सब में छुपी बुराइया, और बिगड़े लोग लोगाइया, सब में छुपी बुराइया, बिगड़े लोग लगाइया, क्यों करता उन्माद है। सही कहने इस बात को, लेकिन तुम तो कह रहे आदमी ते ज्यादा लुगाई ज्यादा खा रही है। और सुनो मनोज बाबू, इन बातों से बिल्कुल नाश हो जाता है, तुम समझ रहे होंगे समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जब तुमने इस गीत को गाया सैपऊ में और मैंने लड़ा करके दिया इस गीत को इधर से, और तुमने वो भी लाइन मेरी भरके और पीछे लगा दी। सब में छुपी बुराइया, बिगड़े लोग लुगाइया, और ये कैसा उन्माद है। तुम तो जो कह रहे थोड़े से नशा के पीछे जिंदगी बर्बाद है, और मैं क्या कह रहा हूं दे, सब में छुपी बुराइया, चाहे हो लोग लुगाइया, कैसा ये उन्माद है। अपने अपने नशे का सबको ही स्वाद है। स्वाद है। अब सभी लोग सुने, जे तो चार नशागारे, चूआ, सट्टा, शराब और इस प्यार चाहूंगा अगर मेरी लाइन पसंद आए तो। दारू भी पीता हूँ और खूब साब पीता हूँ, लोग लोगों का खून पीते हैं और मैं तो फिर भी शराब। कहना दे, आज भी अपने देश में, आज भी अपने देश में धर्म की सम्मा बह रही, आज भी अपने देश में धर्म की सम्मा बह रही, आज भी अपने देश में धर्म की सम्मा बह रही। और प्यार चाहूंगा अगर लाइन पसंद आए तो, क्योंकि ये भी नशा है। आज भी अपने देश में धर्म की सम्मा बह रही, बुड्ढा दे रे उठाड़े ते जाकी अम्मा लेट के। वृंदावन में देखो तो राधे राधे। अब सबका अलग अलग स्वाद है, क्यों कि कोई भजन करता है उसको भी अपने उसका भी अलग स्वाद है, वो भी अपने रंग में रंगा हुआ है। इसीलिए कहना दे, अरे दे, अरे धर्म की खातिर तुम देखो आज भी अपने देश में धर्म की सम्मा बे रही, बुढ़ा दे रहे उठाड़े ते जाकी लेट के अम्मा। अब काग दे रही है लेट के, का दे रही है लेट के, दंडौती की परिक्रमा बोलते हैं जिसको। आरो साहब तुम्हारी सुनो मैं, तू कालो नाले रटूली ताऊ जी को मेरे, चकी लेट के अम्मा दे रही, राधे ही राधे है रही। गंगाराम उस्ताद देख लो, और छंद को क्या बढ़िया जवाब लेके आयो है।
राधे राधे है रही, इसीलिए बत अरे बातन तेरी खास है, बातन तेरी खास है, केवल ये बकवास है, बातन तेरी खास है, केवल ये बकवास है, क्यों करता उन्माद है और तेरे गीत पे शरमान, तू दयो गधा सोला राकेश जरोली वालों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है तुम्हारे जवाब पे। मां साहब चलते रहो, एक सवैया और गाया, बाग फूट गए शर्मा के अल्लड़ पड़िया, ले आए ले आए, जवाब होगा तेरे सवैया का भी दे। जे तुमने अल्लड़ दिख रही होगी तुम्हारी छाती पे चढ़ के दार कूटेगी, जे तुम समझदार रह जाए, अरे बालों में सजा के गजरों से मार दूंगी, आज वे कोई जिंदा बच के नहीं जागो जाते, अरे बालों में सजा के गजरों से मार दूंगी, और नैनों में लगा के ठाकुर साहब नैनों में लगा के कटीले गजरों से मार दूंगी, और अच्छे अच्छे मर जाते सदा पे मेरी जान, अच्छे अच्छे ना पानी निकल जा तो जाके मैं अच्छे अच्छे निकल अच्छे मर जाते सदा पे मेरी जान, और तुम्हारी तो औकात क्या है, तुम्हें तो नजरों से ही मार दूंगी। क्या कर रहे दे गा रहे थे का लड़ पड़िया ले आयो, जवाब हो जाए साहब, भाई हाथ खड़े करके बताओ कम से कम कहना दे, अरे अरे तेरी अल्लड़ दे तो अल्लड़ पड़िया दिख रही कैसे फिट कुंताड़ो है जाएगो, अल्लड़ पड़िया दिख रही पड़िया कुमो पे देख भैंसा अड़ुआ ज्यादा मत खाइयो तू धन्नो, कहा गई अब देख यो कह रहे जे का है जे काले आए जे देख ले 16 साल की है भाई, अच्छे अच्छे ने दिल आएगा हो जा पे कौन कौन गो दिलू ज्यादा मत खाइयो तू धन्नो, लग जागो तो कूचकाए बावन ते मत अटके गोरी निकल दे गो मसकी। बार 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 चेतना दे रहा है फुब्बारो पानी को, अरे कछु गवाओ तो सही बाप है हमारी, ये तो बता रहे अल्लड़ पड़िया, लेकिन मैं बकवास नहीं करूंगा, ईमानदारी की बात कहूंगा। आप लोग देख रहे हैं कितनी देर से इसने गीत भी गाया एक मेरी तरफ से मेरी जनानी ने, लेकिन उधर से वो ना बोली कछु, तो मुझे तो एक ही बात याद आ रही है, होठों पे लाली लगा करके, अरे हो टोपे लाली लगा करके जित ठुमका खूब लगावेगी, जित ठुमका खूब लगावेगी, जित ठुमका खूब लगावेगी, और
भैया कह रहे मैं बकवास नहीं करूंगा, तुम ऐसी लेके आयो कैसी, अरे जेठ मक्का खूब लगावेगी, और सारी जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, अरे ठुमका खूब लगावेगी, रंगशाला की नचनिया ले आयो कबू न रसिया। देखी ना रही कहां गई, पता ना जाने कहां चली गई छोड़ के, अरे पावे गो और लचनाए पावे गो, अरे अपने ओए होए ले अपने किए हुए कर्म से लचनाए छंद एक साल में भी नहीं लड़ेगा, केवल इतना बता करके चला जाना कि बलराम जी इस बात को कह किससे रहे हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब देखें आगे, वीर धीर और बलबीर और तो भूमि को सदा छोड़ के आयो, अरे ओ बानर जात और समझ तू मर्म न पायो है, और मन में क्रोध अपार, अरे कोई मन में क्रोध अपार, अरे आए के तू घुर्रायो है, रंगत लगा रहा हूं लगा करके जाना, पहली तो राधे श्यामैया खाए गए, कासगंदी बहर गा रहे। हाँ साहब, अरे बीरन कूना दोष मिलेगो और रण में बादन आज खेलेगो, अरे काले नाग सो आज खेलेगो तचनाए पावे, रही थी अपने बालम की ने मानी एक बात दिए बादर फार जनानी ने, ताऊ जी मंच पर जो विराजमान है ताऊ जी हमारे, इनकी विशेष इच्छा थी मुझे बुलाने की, मुझे कमेटी ने भी बताया कि ये जो बुजुर्ग बैठे हमारे ताऊ जी मेरे पिता तुल्य, इनकी विशेष इच्छा थी मुझे बुलाने की कि भाई ओमिर शर्मा को जरूर बुलाना चाहिए। तो रसियाबाजी होती है इलम और हुनर की कलम की, इन्होंने बहर गाई बिगड़े बिगड़े हैं जीवन के सब हालात, और इस यूट्यूब पे भी सुन लेना मनोज भाई गा रहे उधर से बिगड़े बिगड़े हैं जीवन के सब हालात, और मैंने भी गाया सात सात फेरों का बंधन देखो तोड़ चली गई, और शांतनु की एक न मानी गंगा छोड़े चली गई, बिगड़े बिगड़े हैं जीवन के सब हालात, और वो भी गा रहे इन्हीं बातों को, और एक बात तो लेकर के आए काफिया बंदी के माध्यम से, इन्होंने भी गाई
के सर पे है मेरे हाथ और मैं भी गा रहा हूं कि ओमवीर शर्मा जड़ देगा तेरे मुंह पे ताला अलीगढ़ वाला है वाला। क्योंकि ओमवीर शर्मा के सर पे पवन गुरु को हाथ हाथ। तो मनोज भैया ये क्या लड़ाई हो रही है? अब देखे आप मेरी तरफ से बैर के माध्यम से आ दारी के आज पूरी रात में जहां तक जाने नहीं दूंगी ये अकेली भारी पड़ेगी तुम पे। अमर सिंह राठौर की गीत कहानी गाई मेरी जोबन बगिया मांग रही फुब्बारो पानी को और वो क्या गा रहे हैं कचरा कर दूंगो साफ तेरी जा मच्छरदानी को। जवाब है रोजे जवाब है आप लोग हाथ खड़े करके बताइए जवाब हो रहा है। तेरी मेरी जज्वानी को भयो वै सिंह न लुटोन देख अरे मेरी ज्वानी को भयो वै सिंह न लुटोन बताई दे ओ गोनो बाबा हो तो मैं दोनों जाइए बता जाइयो। हाँ साहब दिए बादर फार जनानी ने और बोले के आए के निशानी ने। अब देख कलम से कलम किस तरीके से टकराती है। राजने अरे कह रही है हम चली गई पानी। ये होती है लड़ाई कलम की। अरे जाकी भैंस चली गई पानी। जो कह रहे के उससे लक्ष्मण से और सीता जी से नहीं कहा। मैं भी कह रहा हूं कि लक्ष्मण से और सीता जी से नहीं कहा। लक्ष्मण के लिए और सीता जी के लिए वनवास नहीं मांगा लेकिन लक्ष्मण तो स्वयं अपने भाई की खातिर गए और सीता जी गई तो अपने पति की खातिर। कहे स्वामी जब आप ही नहीं इन महलों में रहेंगे तो इन महलों में रह करके मैं ही क्या करूंगी करूंगी। तुम्हारी समझ में नहीं आई के कई दशरथ ने खूब समझाई ऐसो करो फजीता। बात के कई की और दशरथ की हो रही थी लेकिन तुम उसको गुमराह कर रहे हो। और 14 बरस को वन में भेज दे राम लखन और सीता सीता। अब देखो आगे क्या होता है। और देख यहीं से कहानी आ रही है तुम नहीं पहुंच पाए लेकिन यहीं से कहानी बन जाती। रामन सिया खूब समझाई रामन सिया खूब समझाई रामन सिया खूब समझाई पर एक समझ न आई। रामन सिया खूब समझाई पर एक समझ न आई। और यहां भी जब राम ने सिया को समझाया और पति पत्नी का बिछोड़ दिखा रहा हूं मैं और वहां भी जब वन को चली गई सीता जी तो वहां भी राम का और सीता जी का बिछोड़ हो गया क्योंकि सीता जी को तो रावण ले गया। देखिए ये हमारे मुल्ला जी अलीगढ़ से चल करके आए हैं और जवाबों पे खुश होकर के 101 रुपए का पुरस्कार दिया है और हमारे गुरु गंगाराम जी हैं इन्होंने भी पुरस्कार दिया है।
एक बार जोरदार दोनों लोगों का स्वागत करेंगे सभी लोग। अरे राम ने सिया खूब समझाई पर एक समझ नहीं आई, एक न मानी श्री राम की वो संगई बन को धाई। हरिश्चंद ने देखो भैया हो, अब दे हरिश्चंद ने खूब कही पर नाय उच्चवायो पानी। हरिश्चंद ने खूब कही पर नाय उच्चवायो पानी। सारी कहानी रघुकुल में से आ रही है, लेकिन तुमने रसियाबाज नहीं हो मेरे अंदाज में। अरे हरिश्चंद ने खूब कही पर नाय उच्चवायो पानी, और मुखड़ा मोड़े चली गई देखो वो कोई तारा। कंधा पे ले जाइयो, हैं? अरे मैं कंधा पे तरक्का ले जाऊंगा, मेरा तो गंज इठिया है अलीगढ़ में, लेकिन देख इंतजाम यही की यही होगा। हाँ, इनका इंतजाम जरूर होगा, यही होगा इंतजाम। गुरु मेरे भाई बहरा जी, अरे साची साची कह दूंगो, कटायो मो पे शेष बचो है तेरे हाथ में दे दूंगा। अरे जाकी भैंस चली गई पास।